हेलो गाइस, वेलकम टू कोई टेक्सी। दोस्तों अभी ऑफिस की तैयारी हो रही है। ये मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने कपड़े। ये रही एक टी शर्ट और एक पैंट। तो अभी बज रहे हैं 9 बज गए मेरे हिसाब से। मैं लेट हो गया तो कपड़े वपड़े पहन के भागते हैं ऑफिस। उसके बाद देखते हैं जहाँ जहाँ कंप्लेंट है, क्योंकि आज संडे है, क्योंकि सैटरडे को मेरी छुट्टी रहती है। एक दिन करके सबों को छुट्टी मिलती है ना, इसलिए इस सबको एक एक छुट्टियाँ मिलती है। तो उसकी वजह से आज मेरी, कल मेरी छुट्टी थी, तो आज संडे, आज किसी की नहीं छुट्टी। आज सारा स्टाफ आएगा, हमारे जो फील्ड वाले टेक्निकल बंदे होते हैं वो सारा आएंगे, और बाकी जो ऑफिस के इनके सबकी छुट्टी होगी आज। तो कपड़े तो ले लिए मैंने, ये प्रेस कर दिए मैंने कपड़े, अब नहाते हैं भागते ऑफिस। भाई अभी अभी ऑफिस आए, कंप्लेंट आ गई कॉपर पे कनेक्शन। कौन सी तार है सौरभ? हैं अरे टूल ऑफिस भूल गए तो देखो काम किससे करना पड़ रहा है। अरे मैं छत पर चला था, जॉइंट वॉइंट हो तो देख। फोर पेयर है इसकी, वह सही तो थी है? सही है, खाली इसकी पीवीसी उतरी है देख। सही है तार वाली चेक कर। खाली यार पीवीसी उतरी, चल देख ले, चल जाए ठीक है, नहीं चलेगा तो आगे जाके चेक करते हैं। वही आके चेक करना पड़ेगा। आ जा भाई, उधर कोने पर डब्बा लगा रहा अपना। अब यार टूल पता नहीं इसमें थे ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं टूल। दो बाहर रखे हुए थे, मैंने सोचा पड़े हैं वो एक्स्ट्रा बाहर रखे हुए। तार तो बिल्कुल ठीक है, जॉइंट भी नहीं लग रहा तार में, इधर देख ले चल जाए ठीक है, ना तो उधर जाता हूँ। कौन सा राउटर था कस्टमर पे? बिना सिंगल बैंड तो टू पेयर का कनेक्टर मारना, फोर पेयर का क्यों मारेगा, मार दो पेयर नॉर्मल राउटर होगा वो छोड़ दे, वो मार दे, इससे छील लेना सट आई सट और ले टेप। और जो दूसरी कंप्लेंट है B102 मेरे हिसाब से कोने में पड़ेगा उधर। नहीं वो है ये वाला सामने वाला, इस साइड में गली में साइड होगा, तो वो पॉइंट मेरे हिसाब से इधर से ना, तो उधर से नहीं, यहीं से दिया है। मैं नहीं दिया था अभी साल में, मैंने और अभिषेक में उसकी कटनी चाहिए। इस छत का सा तो है ही शायद। अरे दो पॉइंट बनाए, एक इधर बना एक उधर बना, कोने में और एक उस, नहीं एक इधर बना है, दो एक इधर बन रखा है, एक उधर बन रखा है। जहाँ ज्यादा कनेक्शन था वहीं घुमा दिया था मैंने। जुड़ गई दो पेयर का, दो पेयर क्योंकि राउटर ही नॉर्मल है कस्टमर का। आया भाई अभी ये कॉपर की तो कंप्लेंट हो गई, अब जा रहे हैं फाइबर की कंप्लेंट पे। वो सौरभ जा रहा है मशीन लेके इधर बैग में, और 202 था, एक दो टॉप फ्लोर, ज़्यादा फाइबर नहीं लगी हुई ऊपर ही बॉक्स है अपना। तो चलते हैं इनके यहाँ पे भी कनेक्शन पे, क्योंकि इनके राउटर पे आ रहा है लॉस। इधर से मेरे को लग रहा है इसका वहाँ से ना दे रखा हो कनेक्शन, ना तो पैच टूटी होगी, ना तो गैलरी ने खा रखी होगी, ना तो फाइबर की पावर पड़ रही होगी, इनमें से कुछ होगा। हैं कैमरे लग रहे हैं, दूध तो उठा लोगे, दूध बना लोगे बाद में। ये केबल की तार कितने बिल्कुल गजब डाली है बचाने के लिए, देखिए। ज़्यादा पैसे ना लग जाए बंदा के वायर के ऊपर से कट डाली नीचे दवा गल दवा।
इंटरनेट नहीं लग रहा वो सामने देखा जाए लॉस तो नहीं है देख लॉस ही है पावर चेक कर ले फिर छत पे चल ले हैं गिलहरी खा रखी है आजा लगा के आजा तो हमने सही सोचा था गिलहरी ने तार खा रखी है ये लूप पूरा है ना यही है क्या इनका वैसे तो मैं भी आईटी से हूं यार नहीं जैसे कंप्लेंट जब तक एक आईटी नहीं दिखता वो आपकी बात सही है जब तक उधर कंप्लेंट रहे पूछ रहा था जैसे कि कंप्लेंट जब तक रजिस्टर होगी हम नहीं आ सकते ना रजिस्टर हो गई थी हां तो बोला बस क्योंकि वायर का देख लिया मैंने इतना काम कर दिया था पाँच मिनट देख लिया अब दो तीन पाँच नहीं है छत तो सारी चिपकी होगी कल कितने बजे करी थी आपने कंप्लेंट कल ऑफिस से आया मिल गया उसे कट मिल गया देखते हैं क्या इशू मिल गया जेसी खींच दिया खींच दिया होगा फिर किसी ने पैर ही टूट गए साले वो बहुत बढ़िया करके बांध के गया था मैं जेसी तोड़ दिया अबे ढक्कन ही खोला किसी ने टेप नहीं लग रही थी इस पे लग रही थी अबे बहुत जगह क्या नाम है अपने जेसी में से बहुत निकाल ले रहे हैं ढक्कन सी 175 से ढक्कन ही गायब है जेसीओ में से कौन सा वाला मेरा वाला है अब इसमें सर जो टूटी होगी वही होगी आपकी जोड़ दे मैं उस दिन सही करके गया था इसको अरे बिल्कुल फिट करके गया था मैं इधर अब पैर मेरे हिसाब से एक आती होगा इसके अंदर एक बचा बस दो नंबर ये ऑरेंज दूसरी ले ले अबे दूसरी ले ले दूसरी लिए ना ला पकड़ो ले मार जल्दी जल्दी स्प्लाई ऐसे कर ना वो निकाल ले कटर इनकी क्या दो कोर की फाइबर है चल गया होगा सर आपका तो भाई फाइबर की कंप्लेंट भी हो गई कॉपर की कंप्लेंट भी हो गई अब एक कनेक्शन है वाला कनेक्शन करते हैं जाके और मेरे हिसाब से वहाँ पॉइंट नहीं था कल कॉल आई थी मेरे पे सूरज की तो वहाँ पे एक हमारा कनेक्शन साइज से पहले से था चल रहा था वो शिफ्ट हो गया उसकी फाइबर बाहर पड़ी तो वही फाइबर डाल देंगे मगर फाइबर हम तब भी इमरजेंसी के लिए ले जा रहे हैं क्या पता नहीं हो तो डाल के ऑन कर देंगे कनेक्शन राउटर तो ले लिया है अपना और देखते हैं 300 Mbps का प्लान है तो देखते हैं करते हैं जाके ये रही अपनी फाइबर टॉप फ्लोर पर ही जो पहले से कनेक्शन चल रहा था साइज से सी मैं पावर आ रही होगी तो इसी को दे देंगे चला सीधा चलते हैं तो फाइबर ले कस्टमर के घर चलने और देखते हैं कहाँ पे लगवाना है ये अपग्रेडिंग है फाइबर पे साइज से सी कनेक्शन है मशीन वशीन तो ले लिया चलता कस्टमर एंड में
100% साफ हो गया। चलो ऊपर ही चलना। ये सारा क्या करेगा, मैं तो खोल के करूंगा अभी क्या, जब मेरे हाथ में ना तार मेरे हाथ में नहीं आएगी। मशीन ले लेता क्या पता, कहीं कट वट तो नहीं रही, कट रही हो क्या पता, गिलहरी खा रही हो। मगर चलते ऊपर, सही है हैं? अबे दो का स्प्लिटर तो नहीं ठोक दिया किसी ने इसमें? मेरे को लग रहा किसी ने दो का स्प्लिटर ठोक दिया इसमें। अरे ढीली करता हूँ, रुक वहाँ से हो जाएगी, मुश्किल होगी, रुक जा, ऐसे मत खेचे, टूट जाएगी खाली पीली। मेरे को नहीं लगता भाई सौरभ ढीली होगी, जैसी ये लग रहा है। रहने दे, दो का स्प्लिटर लगा रखा है वहाँ, उसमें लग रहा किसी ने दो का स्प्लिटर लगा दिया है। हैं? फिर कैसे जा रही है वो एक्स्ट्रा? डेली करिए फाइबर दे। अबे चल रहा हो क्या पता, वो एक बार खोल के देखना पड़ेगा। डेली कर, इधर आ जाएगी फाइबर वाली। ये बताइए डेड है पूरी फाइबर? ये डेड है, अभी चल रही है, किसी और का कनेक्शन चलना है? मैं कहीं नहीं है, यही है, यही है। तो किसी लोड़ू ने उल्टी फंसा दी है ना, तो ऐसा कर से खोल दे, वहाँ पहुँच जाएगी। नहीं ये चक्कर है, वहीं से यहाँ तक एक डाल देता हूँ। फिर एक कोर की, फिर दो कोर की आधी फाइबर ख़राब करेगा। मैं सोच रहा हूँ इसी में काम हो जाए। चार कोर की फाइबर है वाली, चार कोर खोल इसे एक बार ना, तो खराब हो जाएगी वाली फाइबर। 20-25 मीटर लगी थी, बड़ी डाल ले तो पूरी डालो साली, पॉइंट बन जाएगा, सही रहेगा। हल्की सी ढीली कर दे क्योंकि डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में काम हो जाएगा, इतना लूप है। अब जहाँ भी ले कनेक्शन, फाइबर इतनी है नीचे तक। क्योंकि सौरभ बहुत फाइबर है यार, ये कनेक्शन आराम से हो जाएगा, वो जैसी उधर ढीली कर दे बस हल्की सी। मैं सोच रहा हूँ फाइबर डालना ना पड़े, सीमा काम हो जाएगा। हम जो फाइबर लाए हैं वो चार कोर की फाइबर लेके आए हैं, चार की आठ कोर की है, उसे रहन दे, छेड़े मत उसे। और इतना देखो है तो मतलब इसी में काम हो जाएगा हमारा। वो खाली पीली खींच रहा, अब टूट जाएगी, खाली सिंगल कोर की फाइबर है, खींच रहा भाई, खा गई है क्या कहीं? ट्रेस मार के देख ले एक बार ना, तो गिलहरी खा गई है। 300 वाला? हाँ 300 Mbps वाला। मेरे हिसाब से इसी जेसी में होगा ना, तो जो अभी खींची उसी में से टूट गई होगी। कितने जा रही है देख, वो उठी है। कितने? कितनी है? 40। 40 तो यार वही होगा, ऐसे ऊपर करके ही हो गई है फिर। 40 आई होगी है ना, इसमें तो नहीं होगा इस वाले जैसे। चल तू मार उसके बाद देखते हैं। तो भाई अपना राउटर ये रहा, और राउटर लगेगा उस साइड दीवार पे। तो फाइबर पहुंचा दिए, सौरभ मार रहा है स्प्लाइजिंग, फाइबर यहाँ रही, मगर इस फाइबर में इशू है 40 मीटर पे, तो ऊपर जाके दोबारा ट्रेस मारते हैं उधर से,
जो जेसी दिख रहा था छोटा वाला उसमें इशू हुआ साइज से, 40 तो वही जा रहा हुआ, और राउटर कर दिया है मैंने कॉन्फ़िगर। भाई इस फाइबर में इशू है, 40 मीटर पे दिखा रहा है, नीचे से ट्रेस मारा, ऑलरेडी डेड फाइबर पड़ी थी, मैं सोचा इसी में काम हो जाएगा। मैं सौरभ को मना कर रहा था खींचने के लिए, छोटा वाला जो जेसी था वही होगा मेरे हिसाब से, 40 तो जा ही रहा लग रहा है। और मैं आगे छत्ती पे उनने खींचे आएंगे ना, टूट गया वो जेसी, इसमें टूटा है, 40 मीटर और होनी तो चाहिए ये, यूँ करके नीचे जा रही है, यूँ करके वो जा रही है नीचे, जेसी लग रहा है यूँ जा रही है। अंदर मिला मिला के 20 मीटर अंदर मान लो, 20 ये 40 तो होगा, इसी में होगा, खोल के देखते ना, तो इस पेड़ वेड़ में खींच गई हो। कह रहा था ना ये देखो, ये टूटा हुआ निकल गया, फाइबर खींच गई बहुत गंदी तरह से। अब इसे मैं जोड़ देता हूँ, सौरभ नीचे कस्टमर हैंड पे क्लिपिंग कर रहा है, मैं इसे जोड़ देता हूँ, चल जाएगा इंटरनेट कस्टमर का। तो भाई स्प्लाइजिंग हो चुकी है, स्प्लाइजिंग कर दी है मैंने, अब सौरभ के पास को फ़ोन करता हूँ, सौरभ को ही फ़ोन करता हूँ चेक करने के लिए कि चला कि नहीं चला, बस चल गया होगा क्योंकि 0.0 पे जोड़ी है मैंने, हीटिंग पे डाल दी है ये, और देखते हैं सर। ठीक है 300 Mbps का प्लान है, सही स्पीड है।